नमस्ते छात्रों, कैसे आप? आशा करती हूँ सब सुरक्षित होंगे। तो आज आपके सामने आपकी हिंदी टीचर वंदना एक नए व्याकरण के साथ उपस्थित हुई है, परंतु अपने भी विषय पर जाने से पूर्व मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। छात्रों, हम हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, या उसे बोल सकते वार्तालाप करते हैं। तो उस वार्तालाप को या बातचीत को क्या कहते हैं? संवाद। क्या कहते हैं? संवाद। आपसी वार्तालाप को संवाद कहते हैं। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में हो सकता होता है, हाँ या ना? जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूं, तो ये क्या कर रही हूं? आपके साथ संवाद करने की कोशिश कर रही हूं। हर व्यक्ति की अपनी बातचीत करने की शैली होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है, तो उसे उसके बातचीत का ढंग उसके उसमें पता चलता है। इस मौखिक वार्तालाप को या मौखिक बातचीत को जब हम लिखित रूप देने का प्रयत्न करते हैं, तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। जो भी हम बातचीत करते हैं, जब हम उसे लिखित रूप देने का प्रयत्न करते हैं, तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन एक कला है। क्या है? एक बहुत अच्छी कला है। लेखन करना ही आपस में, देखो सभी विद्यार्थी अपने अपने कुछ उत्तर लिखते हो, पर सबका अलग अलग ढंग होता है लिखने का। जिसकी भाषा प्रभावशाली होती है, सभी विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया जाता है, तब उसे अच्छे मार्क्स मिलते। तो ये क्या है? एक एक कला है। छोटे छोटे संवाद जो है, छोटी छोटी कहानियां, उपन्यास, चित्रकला, चलचित्र, इसमें इसका महत्व बहुत अधिक होता है। तो आइए, आज का हमारा विषय है संवाद लेखन। क्या है हमारा विषय? संवाद लेखन। तो हम आज एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, वीडियो में उसके नियम बताए गए हैं और एक दो आपस में व्यक्ति के बीच में बातचीत भी बताई गई है। तो आपको समझ में आएगा कि संवाद लेखन कैसे लिखा जाता है, ठीक है? देखिए, संवाद लेखन आपका टॉपिक है आज का। संवाद लेखन का लर्निंग आउटकम है। संवाद लेखन के बारे में जानेंगे, संवाद लेखन के नियम और उसके उदाहरणों को हम समझेंगे। जो भी उदाहरण आपके व्याकरण बुक में दिए हैं, उदाहरणों को हम आज देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और उस नियमों को भी हम अभी वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। संवाद लेखन। प्यारे बच्चों, आज हम संवाद लेखन के विषय में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि संवाद लेखन क्या होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं और आप आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, इसी को संवाद कहते हैं। संवाद को वार्तालाप भी कहते हैं। बच्चों, सभी लोगों के बात करने का ढंग भी अलग अलग होता है।
जब उनके संवादों को उन्हीं के अनुसार लिखते हैं तो उसे ही संवाद लेखन कहते हैं। समझे बच्चों? बच्चों, संवाद लेखन के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे संवाद छोटे होने चाहिए, संवाद की भाषा सरल और व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए, संवाद बोलते समय उसी के अनुसार हाव भाव भी दर्शाने चाहिए, विषय का ध्यान रखकर उसी से संबंधित बातें भी करनी चाहिए। दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। व्यक्तियों के बातचीत का ढंग अलग अलग होता है, उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। आइए बच्चों, अब हम पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को सुनते हैं। पिताजी, मुझे 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए का क्या करोगे बेटा? मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पिताजी, उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूंगा। तब तो ठीक है। बच्चों समझे, यही संवाद या वार्तालाप होता है। संवाद लेखन। प्यारे बच्चों, तो छात्रों, देखा आपने वीडियो, क्या बताया वीडियो में? कि आप दो या दो से अधिक व्यक्ति के आपस में वार्तालाप को दिखाया गया। क्या नियम है इसके? आपको नियम बताया गया कि संवाद जो है वो कैसे होने चाहिए, छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। जैसे व्यक्ति आपस में दो दो व्यक्ति वार्तालाप करते, उन्हीं वार्तालाप को प्रभावशाली रूप से हम लोग कैसे लिख सकते, लिखने का प्रयास करना चाहिए, सभी विराम चिन्हों का प्रयास लगाने चाहिए और प्रभावशाली ढंग से इसे प्रस्तुत करना चाहिए। और संवाद हमेशा छोटे होने चाहिए। तो ये आपको बताया गया है, तो इसी तरह से आप आपको अभी आपके जो व्याकरण बुक में जो है पेज जो संवाद लेखन, वो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि संवाद कैसे लिखे जाते हैं। देखो, संवाद लेखन यहाँ पे रमा रोहन के बीच में बातचीत हो रही है, दोनों भाई बहन हैं, उनके दोनों भाई बहन के बीच में बातचीत हो रही है। तो रोहन बोल रहा है, रोहन पामा, आज तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? तो प्रश्न पूछ रही रमा अपने भाई रोहन को, इसलिए क्वेश्चन मार्क। अभी रोहन बात कर रहा है, दीदी सुबह से ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए माँ ने आज मुझे विद्यालय नहीं जाने दिया। दो वाक्यों को जोड़ा गया इससे कॉमा लगाकर, ये पहला वाक्य फिर दूसरा वाक्य, इसलिए कॉमा यहाँ पे, दो वाक्यों को जोड़ा गया इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा और आखिर में फुल स्टॉप पूर्ण विराम। रमा बोल रही है अभी, अच्छा तुमने दवाई ले ली? फिर अच्छा बोल, उसका वाक्य खत्म हो गया। अब फिर वो बोल रही, तुमने दवाई ले ली? प्रश्न कर रही है, इससे प्रश्न चिन्ह। रोहन, हाँ हाँ दीदी, ये दोनों के बीच में, रमा और रोहन के बीच में, दोनों भाई साहब भाई और बहन के बीच में आपस की बातचीत आपको यहाँ दिखाई गई है। इसे क्या कहते हैं? आपस की बातचीत को ही संवाद कहते हैं। संवाद अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक मौखिक माध्यम है। जब संवाद को लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन कहलाता है। जब हमारे मौखिक आपस की बातचीत को जब हम उसको लिखित रूप देते हैं तो वही संवाद कहलाता है।
तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, संवाद लिखना क्या है, एक कला है। संवाद लिखते समय सरल एवं भाषा सरल होनी चाहिए, शब्द भी अच्छे होने चाहिए, शब्दों अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए किंतु प्रभावशाली होने चाहिए। अपनी बात को कम से कम और सरल शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में संवाद को लिखना चाहिए, ताकि हमें क्या बोल किस विषय जो भी विषय पर हम संवाद कर रहे उसमें अपने विचारों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करना है, और अपने किस विषय पर बातचीत हो रही है उसमें लिखने में स्पष्टता होनी चाहिए। बातचीत में स्पष्टता होगी तभी लिखने में स्पष्टता आ जाएगी। इसके पहले भी मैंने कहा कि प्रभाव पूर्ण ढंग से जो बातचीत करते हैं तो मैं उनका सुनना अच्छा लगता है ना, इसलिए बोलते कि ये कला है। सभी के पास ये कला नहीं होती पर हमें सीखना है। देखिए यहाँ पे आपके और बहुत सारे उदाहरण आपके व्याकरण बुक में दिए हैं, उसमें से पहला उदाहरण जो हमने ऊपर पढ़ा अभी जो है, देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए कुछ संवाद दिए गए, जन्मदिन की दावत से संबंध में माँ बेटे के साथ बातचीत। यहाँ पे जन्मदिन की दावत देने के लिए दो माँ अपने माँ और पुत्र के साथ बातचीत हो रही है, जैसे आपकी और आपकी माँ की बातचीत होती है ना आपके जन्मदिन के संबंधित, वही बातचीत को यहाँ दिखाया गया है। देखो एक माँ है और हर्ष, तो माँ क्या बोल रही, देखो बेटा हर्ष कल तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। हर्ष बोल रहा है माँ इस वर्ष मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। माँ अनुमति किस लिए, हर्ष माँ मैंने अपने दोस्तों को होटल में जन्मदिन की दावत देना चाहता हूँ। माँ अच्छा तो ये बात है, ठीक है मैं तुम्हें होटल जाने की अनुमति देती हूँ। क्या बोल रहे, माँ बोल रही बेटा तुम्हारा कल जन्मदिन है, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। हर्ष बोल रहे माँ इस वर्ष मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, अनुमति मतलब परमिशन, अपने माँ की पर अपने माँ से इसी चीज से अनुमति मांग रहा है कि उसको अपने दोस्तों को अपने दोस्तों मित्रों को उसको होटल में अपना जन्मदिन मनाना है। हर्ष को वहां अपने होटल में जाकर अपने दोस्तों को दावत देनी है, उसके लिए अपने माता जी की पिताजी की पत्नी उसको अनुमति तो चाहिए ना, वही अनुमति अपने माँ से लेने की कोशिश कर रही। तो माँ क्या बोल रही, ठीक है मैं आपको अनुमति देती हूँ, हम सब मिलकर होटल में इस बार आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो अब आगे क्या बोलती है, हर्ष धन्यवाद माँ। माँ लेकिन तुम्हारे सभी दोस्त अपने माता पिता के साथ आएंगे और हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हर्ष ठीक है माँ, आप उपहार के बारे में कुछ पूछ रही थी ना माँ, मुझे साइकिल चाहिए। अभी माँ बोल रही है हाँ बेटा हमने तुम्हारे लिए साइकिल उपहार लिया है, हमने तुम्हारे लिए यही उपहार लिया, ऐसे माँ कह रही। हर्ष बोल रहा है धन्यवाद माँ। तो क्या कहा है देखो, जब उसकी माँ क्या बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ अनुमति देती हूँ, हम क्या करेंगे। हर्ष माँ को क्या बोलता है, उसके बाद उसकी माँ बोलती है आपको अनुमति मैं देती हूँ। हर्ष बोल रहे धन्यवाद माँ, लेकिन माँ ने एक शर्त रखी है। क्या शर्त है, माँ ने कहा है सभी दोस्तों को आपको बुलाना है परंतु उनके माता पिता के साथ भी आएंगे और हम भी आपके साथ चलेंगे, भी तुम्हारे साथ दावत पे चलेंगे, सभी माता पिता के साथ ही आपके दोस्त आप वहां पर आएंगे। हर्ष बोल रहे ठीक है माँ, वो बोल रहे आप उपहार के बारे में मुझसे पूछ रही थी ना, अभी वो सही मुद्दे पे आया है ना। वो बोल रहे माँ देखो ये उद्गार निकल रहा है हर्ष के मुंह से अभी, माँ देखो इसलिए यहाँ पे देखो उद्गार वाचक चिन्ह का चिन्ह लगाया गया है, मुझे साइकिल चाहिए।
उड़ जाओ। तो माँ बोल रही है, हाँ बेटा तुम्हारे लिए हमने यही उपहार लिया है। तो हर्ष बोल रहा है धन्यवाद माँ। क्या बोल रहा है? धन्यवाद माँ। उड़ जाओ। तो देखा आपने एक माँ और बेटे के बीच में वार्तालाप किस तरह से लिखा है उन्होंने। यही वार्तालाप आप भी अपने माता पिता के साथ अपने जन्मदिन की दावत भी करते हैं ना। उपहार मांगने के बारे में भी आपकी बातचीत होती है, क्या उपहार लेना इसके बारे में भी आपकी बातचीत होती है, कहाँ जन्मदिन मनाना इसके बारे में भी आपसे आपके और आपके माता मां के साथ बातचीत होती है, किन किन दोस्तों को बुलाना ये भी बातचीत होती है। तो वही बातचीत को हमें छोटे और प्रभावशाली ढंग से हमें मौखिक बातचीत वार्तालाप को मौखिक बातचीत को हमें लिखना है। तो ये हो गई माँ और बेटे की आपसी बातचीत। समझ में आपको सभी को? अभी देखो दूसरा उदाहरण भी दिया है पे, मालकिन और मालिक का संवाद। ये भी उदाहरण दिया है। मालकिन कह रही मालिक काका पिछले साल, देखो यहाँ पे एक मालिक मालकिन है और माली है, एक घर है, घर में मालिक और मालकिन रहते हैं। और जो माली होता है वो जो बगीचे का पूरा काम देखभाल करता है, पौधे लगाना, पौधों को पानी डालना, खाद डालना, सिंचाई करना, बड़ा करना, ये सारा काम माली देखता है। सब साफ सफाई रखना, बगीचे को उपवन की साफ सफाई रखना, ये सभी काम माली करता है। तो अपने इसी बातचीत को यहाँ पे आपको दर्श दिखाया गया है। लिखकर मालकिन और मालिक के बीच कैसी वार्तालाप हो रही है हम देखेंगे। मालकिन मालिका का, पिछले सप्ताह लगाए गए पौधे मुरझा गए हैं, क्या आप समय पर पौधों को पानी नहीं डालते? तो मालकिन प्रश्न कर रही है अब माली को, इसलिए प्रश्न चिन्ह दिया गया अंत में। माली बोल रहे ऐसी बात नहीं है। क्या बोल रहा है माली? ऐसी बात नहीं है मालकिन, सच बात तो यह है कि कई कई दिनों तक तो नल में पानी नहीं आता। मालकिन, हाँ काका बरसात की कमी के कारण पानी की कमी हो गई है। माली, अच्छा इसी वजह से पानी की कटौती की जा रही है। मालकिन, हाँ काका यही बात है, कभी कभी लोग अनावश्यक पानी बहा देते हैं, जब उन्हें पानी नहीं मिलता तब वे पानी का महत्व समझ पाते हैं। माली, मुझे माफ कर दो मालकिन। मालकिन, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माली, मालकिन कभी कभी मैं भी बगीचे में अनावश्यक पानी दे देता हूं, लेकिन अब से मैं पानी की बचत करूंगा और जब जरूरत होगी तब भी पौधे सींचूंगा। तो ये हो गई मालकिन और मालिक की आपस की बातचीत। क्या बोल रहे वो मालिक काका को बोल रही है मालकिन कि पिछले सप्ताह मैंने कुछ पौधे लाए थे, उस पौधे मुरझा गए हैं। तो पूछ रही है कि आप पानी किसके, वो प्रश्न कर रही है मालिक काका को, क्या आप पौधों को पानी नहीं डालते? तो मालिक काका इस प्रश्न पूछ रही है, इसलिए प्रश्न चिन्ह। तो मालिक काका बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है मालकिन, कई कई दिनों तक नल को पानी नहीं आता है, इसलिए मैं पौधों को पानी नहीं डाल सक पाता हूँ। मालकिन के लिए, हाँ काका बरसात की कमी हो गई ना इस वर्ष, इस साल जो है बरसात की कमी के कारण नल को पानी नहीं आ रहा है, कभी कभी ये मुश्किल हो रही है। तो माली बोल रहे इसीलिए पानी की कटौती हो रही है, तब उसको समझ में आया कि नल को पानी क्यों नहीं आता है। तो बोल रहे पानी की कटौती जो अभी हो रही है इसलिए हो रही है। मालकिन, हाँ काका यही बात है, बरसात की कमी के कारण ये मुसीबत, ये मुश्किल को हमें आगे मुश्किलें आ रही है। तो क्या बोल रहे हैं? तो लोग, मालकिन बोल रहे कभी कभी लोग अनावश्यक पानी बहा देते और जब पानी नहीं आता है नल में तब हमें पानी का महत्व समझता है, ऐसा मालकिन मालिक काका से कह रही है। मालिक काका बोल रहे हाँ यही बात है, बोल रहे मालकिन मुझे माफ कर दो। तो मालकिन बोल रही आप क्यों माफी मांग रहे मालिक काका, उसको समझ भी नहीं आया कि मालिक क्यों माफी मांग रहे। तो प्रश्न कर रही है,
आप क्यों माफी मांग रहे हैं मालिका का? देखो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है लगाया हुआ। मालकिन बोल रही है, कभी कभी मैं भी बगीचे में अनावश्यक पानी डाल देता, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूंगा और पानी की बचत भी करूंगा, और जब जरूरत होगी तभी मैं पौधों को सींचूंगा। ऐसा मालिका का अपनी मालकिन से कह रहे हैं। उसको लगा, मालिक को लगा कि उसने कोई वो भी ये भूल करता है कि अनावश्यक पानी बहा देता है। तब उसकी मालकिन क्या बोलती है अंत में? मालकिन ठीक है काका, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो गया, मुझे भरोसा है कि आप कभी अनावश्यक पानी नहीं बहाएंगे। क्या बोल रहे? ठीक है मालिक काका, आपको गलती का एहसास हो गया तो आपको मुझे भरोसा है, मालकिन उनके ऊपर विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है कि अगली बार आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मालिक बोल रहे जी मालकिन। तो ये हो गई आपकी मालिक और मालकिन के बीच की आपसी बातचीत। तो इस बातचीत में एक संदेश दे छात्रों, इस बातचीत में एक संदेश देने का भी प्रयत्न किया है। किस बारे में संदेश होगा? पानी की बचत, पानी की कटौती, बचत, बिना कारण व्यर्थ में पानी नहीं बहाना चाहिए। ये इस पानी के, इस मालिक और मालकिन के बीच में एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है। ये हम सबके लिए संदेश है। बातचीत तो वार्तालाप तो है ही है, और एक कुछ संदेश भी मुझे दिखाई दे रहा है उसमें, अच्छा सा संदेश। हम भी ऐसे ही करते हैं, अनावश्यक पानी बहा देते हैं, और जब पानी नहीं आता तो पानी पानी करते हैं। इससे हमें भी एक सीख लेनी चाहिए कि पानी हमें व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। कोई भी कहीं पर भी, कहीं कोई भी जगह, कहीं पर भी कोई भी आपको दिखता है कि व्यर्थ पानी बहा रहा है तो उसे रोकना जरूर चाहिए। उनको समझाना चाहिए पानी का महत्व, 2 मिनट हमने देना चाहिए वहां पे, हमारे थोड़ा सा समय हमने वहां पे व्यतीत करना चाहिए। और पहले इसमें देखो हर्ष और माँ की बातचीत बराबर। हर्ष अपनी माँ से अनुमति मांग रहा है, माँ ने उसको अनुमति दिए, और कितने शांति से दो माँ बेट माँ और हर्ष की बातचीत हुई है। उपहार के बारे में पूछता है, वो भी बताते हैं, और अपनी माँ को किस तरह से अब शिष्टाचार दिखाता है, उनको धन्यवाद देता है। तो इसी तरह से हमें भी आपसे वार्तालाप को देखना है। तो भी आप क्या क्या कर सकते हैं अभी? देखो आपका अभ्यास कार्य है, यहाँ पे निम्नलिखित विषयों के संवाद पर लेखन कीजिए। ये 3 दिए आपको संवाद, आसमान में उड़ रही 2 चिड़िया का संवाद, विद्यालय में अधूरे घूरे क्राव के संबंधित शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद, खाने से संबंधित माँ बेटे का संवाद। ये 2 संवाद तो हम हमेशा करते हैं। ये भी आपके माँ के संबंधित, आपके माँ के साथ संवाद करते हैं, और विद्यालय में आपके गृह कार्य के संबंधित आपके शिक्षक के साथ तो हमेशा वार्तालाप होता है। तो किस तरह वार्तालाप हो सकता है आपके विद्यालय, विद्यालय में अधूरे गृह कार्य के संबंधित? शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक पूछेगी आपने अपना गृह कार्य, विद्यार्थी को रोहन आपने अपना गृह कार्य पूरा क्यों, आज पूरा क्यों नहीं किया? विद्यार्थी यानी रोहन बोलेगा टीचर मैं ये गृह कार्य करने में असमर्थ रहा, मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे किस तरह से इसको करना है। तो शिक्षक बोल रही क्या आपने कोशिश की? तो विद्यार्थी बोल रहे हाँ मैंने कोशिश की पर मैं नहीं कर सका। शिक्षक क्या बोलेगी? तो ठीक है कोई बात नहीं, जब भी आप खाली समय रहेगा आपको जाकर मिलो, आपको क्या नहीं समझ में आपको मैं बताऊंगी, उसके बाद आप आपका गृह कार्य जरूर पूरा कर लो। विद्यार्थी क्या बोलेगा?
हाँ मैं आप मेरे लास्ट टीचर से पूछकर मैं आपको आपके पास जरूर आऊंगा। ऐसे संवाद हम आपस में करते हैं हमेशा, आपकी खेती सभी सब विषय की टीचर आपसे पूछती है किस तरह से आपने हो गृह कार्य क्यों नहीं किया, किस कारण से आप असमर्थ थे गृह कार्य करने में, तो आप आपको सब बताते हैं। इस छोटे से बातचीत है एक शिक्षक और आपके विद्यार्थी के बीच में, ऐसे ऐसे ही बातचीत खाने से संबंधित बातचीत भी, माँ बेटे से बातचीत भी होती है, तो ये और अच्छे तरह से प्रभावपूर्ण तरीके से हम अगले कक्षा में देखेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ सभी को समझ में आया होगा आज का जो भी हमने पढ़ा है। तीन संवाद हमने पढ़े आज, तो तीनों आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। अब हमारा गृह कार्य हम अगले भाग में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।